अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी पेशेंट मिसेस राहिला आफ्ताब के बारे में। वो हमारे पास आई थी 6 महीने पहले घुटनों की दर्द की वजह से। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस इनका काफ़ी सिवियर था, तो जो डेली एक्टिविटी थी, एक तो ये परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और मेंटली ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि इनका कोई इलाज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसेज राहिला आफ्ताब फारूकी है। उम्र मेरी 57 ईयर्स है। सन 2000 में मेरे घुटनों में थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो गया, क्योंकि मैं ठंडे इलाके खुजार में रहती थी, लेकिन वो मसरूफियात की वजह से उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तकरीबन 1-2 साल तक ऐसे ही चलता रहा काम। उसके बाद फिर हम कराची मूव हो गए, यहाँ सेटल हो गए। तो कुछ काम में जो हमारे आने रोज़मर्रा के काम थे, उनमें हिंड्रेंस जब ज़्यादा महसूस होने लगी, खड़े होना, नमाज़ पढ़ने में, वॉशरूम में, या और भी इस किस्म के कहीं आने जाने में, शॉपिंग बाज़ार में, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते थे, ज़्यादा चल नहीं पाते थे, तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया। एक कराची के अच्छे मशहूर हॉस्पिटल है, उसमें दिखाया, अच्छे डॉक्टर थे। तो उन्होंने फिर ये किया कि एक्सरसाइज और दवाइयों पे हमें रखा, और काफ़ी तकरीबन 10-12 साल तक हमने उसको सह लिया दर्द को। तो तकरीबन अभी 2-3 साल पहले ऐसा हुआ कि फिर हमें दर्द थोड़ा सा बढ़ गया, तो फिर डॉक्टर साहब ने अब हमें मशवरा दिया, जिनको हम दिखाते थे, कि आप अब अपना नी रिप्लेस करवा दीजिए, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो थोड़ा सा खौफ था कि पता नहीं नी रिप्लेसमेंट के बाद भी सही होगा या नहीं होगा, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी था वो। तो इन अब इन टाइम मेरी बड़ी बहन ने एक दिन मुझे मशवरा दिया कि देखो, एक नई टेक्नोलॉजी आई है पाकिस्तान में, स्टेम सेल थेरेपी, तो तुम इसे भी कंसल्ट करो। तो हमने फिर उसके बारे में मालूमात की, तो अलखलीज क्लिनिक्स के बारे में मालूमात हुई। ड्यूरिंग असेसमेंट जब इनकी हमने फिजिकली असेसमेंट किया, तो इनकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन काफ़ी डिफॉर्म थी, और जॉइंट्स जो है वो जब एक्सरे देखा तो इनका काफ़ी फ्यूज्ड हुआ था। मिसेस राहिला आफ्ताब का जो हमने प्रोसीजर किया था, आर्थरोस्कोपी प्लस स्टेमसिस किया था। आर्थरोस्कोपी जो है वो डॉक्टर केमशा के सुपरविजन में किया था। डॉक्टर केमशा इज़ अ ऑर्थोपेडिक सर्जन। बेसिकली आर्थरोस्कोपी करने की हमें नीड इस वजह से थी क्योंकि इनका जॉइंट जो है वो काफ़ी फ्यूज था, और उसके अंदर काफ़ी जो है वो डेब्री था, तो उस डेब्री को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद हमने इनको स्टेमसिस इंजेक्ट किया। तो आर्थरोस्कोपी के लिए बेसिकली 1 डे हॉस्पिटल स्टे होता है, जो कि हमने इनको करवाया। आफ्टर प्रोसीजर इनको 1 हफ्ते का हमने रेस्ट दिया था, और 1 हफ्ते के बाद जब ये दोबारा हमारे पास आई, तो इनके जो छोटे स्टिच थे वो रिमूव हुए, और देन इनकी हमने फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करवाई। और रेगुलर बेसिस पे ये हमारे पास आती रही, जो हमने इनको इंस्ट्रक्शंस दी वो फॉलो करती रही, और जो एक्सरसाइजेस यहाँ पे करवाई जाती थी वो घर पे भी रेगुलर परफॉर्म कर रही थी। साथ साथ में इन्होंने अपना वेट लॉस भी किया। इस बीमारी में सबसे बुनियादी वजह जो है वो मोटापा, वज़न होता है। तो डॉक्टर सुनोबर ने सबसे पहले यही बताया हमें कि आप अपना वज़न भी कम करें। इस प्रोसीजर में एक फिजियोथेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ऑपरेशन से पहले और बाद में किए जाते हैं ताकि पट्टे मजबूत हो जाएं। तो 6 महीने के बाद आज इनकी हमने असेसमेंट भी की, तो वो काफ़ी असेसमेंट में भी इम्प्रूवड है, और डेली एक्टिविटी है वो भी इनकी काफ़ी इम्प्रूवड है, तो ये काफ़ी माशाल्लाह से बेहतर मूव कर रही है। अब माशाल्लाह 6 महीने हो चुके हैं हमारे ऑपरेशन को, और बहुत इम्प्रूवमेंट है। आराम से हम अपने रोज़मर्रा के काम भी अंजाम दे लेते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इन दिनों कि हमारे सोने के वक्त बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब आराम से सो सकते हैं और आराम से उठ जाते हैं, घुटने में दर्द नहीं होता। बाकी सारे घर के काम जो होते हैं, छोटे मोटे काम, खाना पकाना है या चलना होता है, ज़्यादातर बाज़ार जाना है, वो भी बहुत कंफर्टेबली कर लेते हैं। मेरी तरह और जितने पेशेंट ऐसे हैं जो घुटने के दर्द में मुब्तला हैं और परेशान हैं कि कहाँ से सही इलाज कराएं, उनको मेरा यही मशवरा होगा कि आप लोग इधर उधर वक्त ज़ाया करने के बजाय और बीमारी बढ़ाने के बजाय ये अलखलीज क्लिनिक आएँ, और यहाँ डॉक्टर केएम शाह और डॉक्टर सुनोबर के साथ कंसर्न करें। वो आपको बेस्ट गाइड करेंगे, जो पॉसिबल होगा वो आपके साथ ट्रीटमेंट करेंगे, और जिस तरह माशाल्लाह मुझे अब 90% इम्प्रूवमेंट है, आप लोगों को भी होगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी उन बच्चियों से जो छोटी हैं, जो नाश्ता नहीं करती हैं, खाती पीती नहीं है, बेटा कैल्शियम ज़रूर लो आप लोग, वरना इस उम्र में आके सभी इसी में फंस जाती हैं, खवातीन ख़ास तौर पर।